पंजाब दे विच एक बराबर कंपैरेटिव मॉडल बड़ा जबरदस्त बैठा है। जे उड़ीसा की गल करिए, बिहार दे विच गल करिए, तो उत्थे कंपैरेटिव मॉडल एडा स्ट्रोंग नहीं है कैमिकल फार्मिंग का, उत्थे MSP नहीं है। उत्थे किसान 25-30 हज़ार रुपए पहले ही कमाता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग दे विच भी उन्ना कमा लैंदा, तो बराबर कंपैरेटिव मॉडल एडा स्ट्रोंग नहीं है। बॉडी पेस्टिसाइड लोड ये पंजाब में हाईएस्ट है, और उस कारण से CAC की स्टडी में भी आया कि पंजाबियों के खून में ही 26 तरह के पेस्टिसाइड दौड़ रहे हैं। PGI चंडीगढ़ की स्टडीज़ कहती हैं कैंसर से सीधा इसका रिश्ता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से उसका सीधा रिश्ता है, जो इम्यून सिस्टम कोलैप्स है उसके साथ सीधा रिश्ता है। खेती दे विच वनस्पति अते जीव जगत इकट्ठे सी, लोगों के घर पशु रखे होंगे सी, लेबर क्लास को ले भी पशु होंगे सी, खेती करन वास्ते भी पशुओं की वरतों की जाती सी, तां इन्हां पशुओं नूं कौन पालदा सी? खेतां दे विचों जिहड़ी वनस्पति उगदी सी पशुओं नूं पालदी सी, ते पशु फिर वनस्पति नूं पालदे सी, तां इकट्ठी सी सब कुछ, कोएग्जिस्टेंस सी, सहजीवन सी वनस्पति अते जीवां दा। तां जिवें जिवें कैमिकल मॉडल आया, मॉडल चेंज हो गया, तां हौली हौली इस खेती दे विच्चों जिहड़ा सीगा जीव जगत बाहर हो गया। जीव जगत बाहर होने तो बाद वैजीटेशन दे जिहड़े दूसरे रूप सीगे, एनुअल्स सीगे, रुख सी, वह बाहर हो गए, फसलां रह गईयां। फसलां तो बाद भी फिर सिर्फ एक फसल हाड़ी च, एक फसल सौनी दे विच, तां इह जिहड़ा मोनोकल्चर आया, मोनोक्रॉपिंग पैटर्न आया, इस मोनोक्रॉपिंग पैटर्न ने ज़्यादा जिहड़ा हैगा सोयल नूं एक्सप्लॉयट कीता है, सोयल दे विच्चों ज़्यादा न्यूट्रीशन कढ़िया है, तां इहदियां समस्यावां ज़्यादा, इहदे विच पेस्ट दियां प्रॉब्लम्स आईयां ने। कोई भी तुसीं कुदरत दी क्रिएशन नूं जदों आइसोलेशन च लै जाने हो तां उत्थे समस्यावां आउणगियां, उही खेती दे विच होया। कैमिकल खेती दे नालों घट्टो घट 10 गुना ज़्यादा मेहनत है, 10 गुना ज़्यादा मेहनत है, लेबर इंटेंसिव है कम। यह सानूं सब तो ज़्यादा तो जिहड़ी आ जाने के अपने नदीन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नदीन हो जाते हैं जो स्टार्टिंग दे विच हुंदे आ, उस टाइम सानूं 2-3 गोडियां चाहीदियां आ, क्योंकि उस टाइम असीं दुआ हैंडल नहीं कर सकते हैगे, ते जदों 2-3 फिर की है साडे बूटे चढ़ जाते हैं, फिर जिहड़े नदीन भी होने घट जाते हैं, तो उस करके सानू जिहड़ी आ प्रॉब्लम आती है सब तो ज़्यादा लेबर की आती है, क्योंकि लेबर सानू अवेलेबल नहीं हुंदी हैगी, जिहदे करके सानू ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना। तो असी मैं ये चाहनी हाँ जिदा कि अपने पिंडां दे विच जिहड़ी मरेगा की लेबर आ ना, तो गौरमेंट नू इह चाहिदा आ कि जिहड़ी मरेगा की लेबर आ, एक तो उन्होंने लेबरस नू फार्मरस नू प्रोवाइड किया जाए, हरेक चीज़ नू 5-5, 6-6 गोडियां आ जांदियां, तो जो असी समान गाहक दें वो सोचता भी दूजे नालों महंगा वा, पर वो टीके की वरतों करके समान बहुत जल्दी ले आते हैं, तो असी मतलब आम चीज़ों नालों 35-40 दिन समा वध ले जांदे आ। खेती की जो गल करते हैं, असं मशीन के खिलाफ नहीं है, जिहड़ी मशीन तुहाडी ह्यूमन एफिशिएंसी नूं वधाउंदी है वह मशीन साडी दुश्मन नहीं है, असी उहनूं वरत सकते हैं, बशर्ते कि वह मशीन साडे एनवायरमेंट का नुकसान ना करती होवे। तां जिन्ने पावर ओपरेटेड हैंड टूल्स ने, जिवें ब्रश कटर है साडे कोले, पावर ओपरेटेड जिहड़ी हैगी है, चेन सा है, आरी है,
इस तरह छोटी जिहड़ी हैंड टूल्स ने पावर ऑपरेटेड वो बहुत जरूरी ने, वो साढ़े कोल हजे उस लैवल दे है भी नहीं, वो होने चाहिए, वो तो सानू कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट वनी हुण जिन्नी मशीनरी की सपोर्ट है पैडी स्ट्रा मैनेजमेंट वास्ते गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सबसिडी दिंदी है, वो सबसिडी तो वड्डे वड्डे खेती दे संद ने लखां रुपए वाले हैवी मशी उन्हां नू ट्रैक्टर चाहिए ने। एक ट्रांजिशन पैकेज चाहिए पंजाब को, जो कि सर केमिकल खेती करता है वो लगभग 8-10 हज़ार रुपया पर एकड़ उसको सब्सिडी वो वैसे ही कंज्यूम कर रहा है नॉर्मल ढंग से ही। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला वो तो यूरिया डीएपी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो सब्सिडी नहीं ले रहा। अब बिजली फ्री है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला किसान बिजली भी कम इस्तेमाल करता है, डीजल भी कम इस्तेमाल करता है, तो उसको कहीं सपोर्ट होनी चाहिए ना। वही सब जो सब्सिडियाँ आप उधर दे रहे हो उसको ट्रांसफ़र करो ना कैश में, बायोडाइवर्सिटी बोनस मिलना चाहिए, वो बहुत तरह के चीज़ें ला रहा है ना, इस्तेमाल कर रहा हो, उसके खेत में आपको पक्षी मिलेंगे, उसके खेत में आपको मेंढक मिलेंगे, केंचुए मिलेंगे, बाकी और जीव जंतु मिलेंगे, उसको कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए, यानी कि वो क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम कर रहा है। वो पराली नहीं जलाता, बड़ी बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला कोई भी किसान पराली नहीं जलाता। ऐसे ही चीज़ों में उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट अगर ये शिफ्ट कर ले चीज़ों में तो मैं कहता हूँ सारा पंजाब तंग है केमिकल खेती से। पंजाब में हॉस्टल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मिड डे मील है, या ये आंगनवाड़ी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जहाँ जहाँ कैंटीन है, आप तय कीजिए कि वहाँ ऑर्गेनिक के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। Just going out there and putting up a little shop of theirs, it couldn't have happened like that. It needed a collection of farmers to bring a variety to the table so that the consumers would feel it worth their while to even step out and support this. So we collected the farmers that were present from the areas around, because our idea was to promote the concept of regional, seasonal, that is obviously what organic embodies. So that's how that from there, since we had already come together on this at this platform, it just took shape from there. ये जड़ी फसल ते तकरीबन जड़ियाँ सब्जियाँ वा छाक उठते डेली जाइए, तो अगे एतवार जाइए ही जलंधर, हूँ मतलब उत्थे जिते पहले दुकान लाते सके वो स्कूल सगा, तो वो फिर बंद हो गया, खलविया स्कूल सगा, उत्थे तो गाह 150 के करीब हो गया सी साडे कोल, मतलब जिन्ना भी समान सगा साडा बहुत जल्दी विक जांदे, 2 घंटे वास्ते जाइदा सगा। तो जदों का लॉकडाउन लग गया, करोना आ गई, उदों का काम सारा ठप्प हो गया, उत्थों फिर बंद किया गया। हुण मतलब जिहड़े गाहक 15-20 हैगे सीगे, मतलब 10-12 साल तो जुड़े हुए, तो उही गाहक हैगे आ वी, मतलब हुण ऑर्डर पा दईदा वी साडे कोल आ समान हैगा वा। Get about 150 footfall of about 150 200 people sometimes to the market. So it was booming at that point of time. Farmers would not be going back with produce like they do now and like how they used to earlier on. Actually, it's all in the hands of the government to help this organic movement. I'm not saying that they should just outright just make agriculture organic here in India, but small steps. And the first, of course, designating a special place for organic produce where it is sold. Over and above certifications, there has to be, there has to be double checks on the organic produce, by testing. That's where the
the government can really help, because the tests are so expensive that it's really like, here we are running this is a market run by volunteers and farmers, and but we can't, so what we basically go, it's a lot of effort to go to the fields, keep that check, you know, on a regular seasonal basis, whereas if you could just take the produce to a lab and check it, but it's so expensive, so we can't afford that. So the government could help in subsidizing, you know, like the produce check. If Punjab could be the seat of green revolution in India, Punjab can also be the seat of evergreen revolution in India. So all it needs is the right kind of impetus. तो वो कैसे आएगा? अब वो कैसे आएगा? एक तो पॉलिसी शिफ्ट है, एक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड उसकी जो प्रतिक्रिया है उसका शिफ्ट भी होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आपको वो केमिकल का जो बेस है, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड की जो हम बात करते हैं, उससे निकल कर अब हमें जो ब्रीडिंग करनी है वो हमें ऑर्गेनिक ब्रीडिंग की तरफ जाना है. वी हैव टू इवॉल्व न्यू वराइटीज़ जो कि ऑर्गेनिक सेटअप में उसमें उसको रिस्पॉन्सिव हों. तो मुझे लगता है कि ये शिफ्ट जो है रिसर्च में वो आनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक चीज़ हम माने कि भाई पंजाब के पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केटिंग नेटवर्क है. पंजाब के पास एक और चीज़ है जो आज दुनिया को बताने के लिए है कि इंटेंसिव फार्मिंग ने कैसे तबाही की है, वो भी उपलब्ध है. देखिए ना, वाटर टेबल कहाँ चला गया है, कैंसर ट्रेंड पंजाब में, इट्स नोटोरियस कि भाई ये और रिफ्लेक्शन कि भाई कितना बड़ा क्राइसिस है पेस्टिसाइड यूसेज का, मिसयूज का, अब्यूज़ का, और उसके साथ हम देख रहे हैं सारी फूड में जो कंटेमिनेशन हुई है, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन. आई थिंक पंजाब इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो ये देश को समझ आएगा कि पंजाब ने जितने इतनी प्रॉब्लम से जो जूझ रहा था उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया है. सो दैट्स अ लेसन फॉर एवरीबॉडी. Thank you.